सबकी नज़र है कटरा बनिहाल का जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो कब पूरा होगा, लेकिन उसको पूरा होने में जो तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही हैं उनमें से एक बड़ी चुनौती के बीच में हम इस वक्त हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ जिधर नज़र डाली है उधर पानी ही पानी टपक रहा है, यानी ऊपर से पानी आ रहा है। और ये पानी क्यों आ रहा है तो इसके पीछे जो वजह है, वजह ये है कि जिस जगह पर यह टनलिंग हो रही है वहाँ पर जो चट्टाने हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, साथ ही साथ ऊपर जो पहाड़ पर बारिश होती है वो धीरे धीरे आकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो पानी का लेवल है वो लगातार यहाँ पर बना रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चट्टाने हैं वो किस तरीके से कमज़ोर हैं, और ये क्यों कमज़ोर हैं इसके पीछे जो वजह है वो हम कह सकते हैं कि ये जगह MBT है, यानी मेन बाउंड्री ट्रस्ट है जहाँ से होकर ये टनल गुजर रही है। तो अब इस तरीके की चट्टानें हैं, इनमें मजबूती नहीं है, जैसे ही इसमें टनलिंग की जाती है या इसको खोदा जाता है वैसे ही पानी चल देता है, और पानी के साथ में चट्टान में मजबूती ना होने की वजह से ढेर सारा फ्लो निकलता है, यानी आपके लिए सुरंग खोदना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर जो काम रुका हुआ था कई महीनों से उसको फिर से शुरू किया गया है, और उसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ किया जा रहा है और इंटरनेशनल एक्सपर्टीज ली जा रही है, और हमारे साथ वो एक्सपर्टीज देने वाले डॉक्टर हर्ष हैं, आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हर्ष, आपका स्वागत है, और व्हाट आर द टेक्निकल प्रोसेस? द टेक्निकल प्रोसेस फॉर द एडवांसमेंट एट दिस फेस ड्यू टू द चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड विद दिस ग्राउंड एंड सराउंडिंग ग्राउंड is that to do the partial sequential digging. We can't use even the term of excavation because we need to do in a smaller scale excavation, very smaller scale digging to be able to move. As you can see in the face, we have done the gallery in the left-hand side, which was the safer side in the entire face. We are applying the pipe roofing all around the periphery as the steel rigid roof, and we are injecting using the polyurethane two components to solidify the ground around the periphery to be able to make a rigid roof, and under the support of this rigid roof to be able to move ahead. As you can see, the trace of the PU at face can be seen. This is just the discharge, extra discharge from the holes. This procedure is very much sequential. It is very precision sequential works that requires a skilled team, a special machinery to be able to do it and move ahead. यहाँ पर खास तरीके की मशीनरी लाई गई है, और उसके साथ साथ यहाँ पर ध्यान भी रखना है, जियोलॉजिस्ट भी हैं, तमाम टेक्निकल टीम है यहाँ पर जो ये काम करती है, क्योंकि अचानक इसमें अगर फ्लो शुरू हो जाता है तो जान माल का खतरा पैदा हो जाएगा। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको सेफर एनवायरनमेंट देने के लिए भी काफ़ी ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो डॉक्टर हर्ष ने बताई। ये जो मटेरियल है इसको खास तरीके का केमिकल ट्रीटमेंट दिया गया है, उसके बाद जो हम कह सकते हैं भुरभुरी चट्टान थी वो इस तरीके की चट्टान हो जाती है, यानी थोड़ी इसमें ताकत आ जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केमिकल ट्रीटमेंट दिया गया है, और इसके अलग अलग हिस्से कर दिए गए हैं। एक हिस्से में खुदाई की जाती है और उससे हम कह सकते हैं धीरे धीरे करके मटेरियल निकाला जाता है, और वो जो मटेरियल बाहर आ जाता है तब दूसरे हिस्से में काम शुरू किया जाता है। ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है, ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में चीज़ें निकाल दें और दिक्कत खड़ी हो जाए। दूसरी तरफ क्या किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी है लिहाजा बड़े बड़े पाइप अंदर डाले जाते हैं बड़ी ताकत के साथ, और वो जाकर एक्वीफर को हिट करते हैं, और एक्वीफर हिट करने के साथ साथ यहाँ से पानी भी बाहर निकल रहा है, क्योंकि टनल का सबसे बड़ा दुश्मन पानी होता है और कमज़ोर चट्टाने होती हैं। तो इन दोनों से निपटने के लिए हम कह सकते हैं टेक्निकल एक्सपर्टीज ली गई है। खंडेलवाल साहब, क्या कहेंगे इस किस तरीके की प्रोग्रेस अब संभव है? जैसा भी आपको डॉक्टर हर्ष ने बताया कि अभी यहाँ पर हम पाइप रूफिंग करते हैं, यानी कि एक अम्ब्रेला बना देते हैं, उस अम्ब्रेला के पाइप रूफिंग में हम ग्राउटिंग करते हैं केमिकल, उससे एक अम्ब्रेला बन जाता है। उस अम्ब्रेला के नीचे जैसे पानी नहीं आता है अपने यहाँ, ऐसे ही उसके नीचे से थोड़ा मटेरियल निकालते हैं, फिर पाइप रूफिंग करके आगे जाते हैं ऐसे। तो ये काम चलेगा, पर धीरे धीरे चलेगा, सावधानी पूर्वक चलेगा, बिकॉज जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यहाँ पे पूरा लूज मटेरियल नीचे आ जाएगा, जैसा कि 2017-18 में आ गया था, और फिर उसको रेस्टोर करने में 2 साल शुरू करने में लगे काम को। तो अभी हम इसमें प्रोग्रेस करेंगे, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमें सफलता मिलेगी विद द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल इंटरनेशनल कंसल्टेंट
एंड आवर चीफ इंजीनियर्स एंड आवर स्टाफ दे आर वेरी वेल एक्सपीरियंस इन टनलिंग बट दिस टनल हैज ए स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड वी ऑल आर होपफुल दैट वी विल गेट सक्सेस एंड वी विल बी एबल टू मेक इट थ्रू इन टाइम टू कम। निश्चित समय में टारगेट रखा गया है, इसको पूरा किया जाए और तमाम लोग लगे हुए हैं, लेकिन एक्सपर्टीज अपनी जगह, लेकिन लोगों की सेफ्टी सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि यहाँ पर दुर्घटना हो चुकी है, लिहाजा सावधानी हटी दुर्घटना घटी तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा रहा है और इसको तय समय के अंदर पूरा किया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, टनल T1 कटरा।